once again, and this is the part 2 of our video of chapter Physical Feature of India. In previous video, we talked about the tectonic plates, about the Himalayan ranges, and now in this part, we are going to know about the northern plain, the peninsular plateau, about the along with the coastal plains and the desert and islands also. So let's we go to the topic about the northern plains. Basically, the northern plain is formed by the three major river system, that is the Ganga, Indus and the Brahmaputra, and this plain is formed of the alluvial soil, and the third one is the deposition of alluvium in a vast basin line at foothills of the Himalaya over a million years. So this line is trying to say that whatever alluvial soil which are present today, it is not ये सालों साल के अंदर तैयार नहीं हुई कि एक दो साल में एलुवियल सॉइल फॉर्म हो गई और अपना आराम से हम देखते हैं खेती कर लेते हैं, तो ये इस तरीके नहीं. इट टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर्स, है ना. तो जो रिवर्स के थ्रू जो सिल्ट आती थी, द रिवर्स ब्रॉट द सिल्ट एंड फ्रॉम द रॉक्स एंड मिल्स एंड इट्स स्प्लिट इन टू द स्मॉल पीसेस एंड देन इट्स फॉर्म. तो एक ये मिलियन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द मिलियन ईयर्स. नाउ द नेक्स्ट इज द स्प्रेड. The alluvial soil or the northern plain spread over the 7 lakh square kilometer. 7 lakh square kilometer तक ये आपका northern plain फैला हुआ है, and the plain is about the 2400 kilometer long. यानी कि जो एरिया कवर अप कर रहा है वो 7 lakh square kilometer का एरिया कवर कर रहा है, और ये जो फोन है जो प्लेन है वो आपका 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है लंबाई में. एंड अबाउट द विड्थ इज अबाउट द 240 to 320 किलोमीटर्स. एंड दिस प्लेन इज कंसिडर्ड द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. ये जो प्लेन है इंडिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. ये ऐसा एक्चुअल में क्यों है? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द एडुकेट सप्लाई ऑफ द वाटर. तो यहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा होगी, या पानी एक है आपका लार्ज प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा, और क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होगी तो वहाँ पे उस जगह पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी. एंड नेक्स्ट इज योर ड्यू टू द एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दिस प्लेन इज एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. बेसिकली द नॉर्दर्न प्लेन इज अ मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. सो बाय दिस दिस इज द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. सो नाउ द वी आर गोइंग टू नो अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. सो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको हम लोग आगे जानेंगे कि ये थ्री पार्ट्स में किस किन नामों से जाना जाता है. तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स को ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होने से पहले. तो जो आपकी जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है रिवर राइन आइलैंड्स. ये रिवर राइन आइलैंड्स होते क्या है एक्चुअली में? सो इट बीज डेट अ आइलैंड अ पीस ऑफ अ लैंड विच इज सराउंडेड बाई द फ्लो ऑफ द रिवर्स, दैट इज नोन एज रिवर राइन आइलैंड्स. ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है कि जो रिवर्स का फ्लो होता है, रिवर्स जा रही है हमारी, इस तरीके से ये पर्टिकुलर लैंड एरिया हो गया, तो ये हमारा क्या कहेगा, दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज रिवर राइन आइलैंड्स. अब हम आगे चलते हैं, दैट इज नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं? द रिवर इन द रिवर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. यानी कि क्या हुआ कि जैसे कि ये जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ये अपने डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि अपनी धाराएं विभिन्न विभिन्न जगहों पे अपनी जो स्ट्रीम है वो अलग अलग फॉर्मेशन में जा रही है. यानी कि जैसे कि अगर कोई एक सिंगल रिवर्स होती है लाइक दिस, इस तरीके से दिखा देते हैं आपको, ये आपकी रिवर है मेन, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट होके इस तरह से उधर जा रही है. तो दीज चैनल्स, ये जो चैनल्स देख लिया, दीज चैनल्स इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज. सो ये तो क्लियर हो गया होगा. तो इसमें से एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो मजौली है ना, मजौली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर राइन आइलैंड्स इन द वर्ल्ड. मजौली जो है वो आपका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है रिवर राइन आइलैंड्स का,
अब हम बात करते हैं अपना जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके डिवाइडेशन की। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज योर द वेस्टर्न प्लेन्स, इट इज जनरली नोन एज द पंजाब प्लेन। सेकंड इज योर द गंगा प्लेन एंड थर्ड इज योर द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो बेसिकली जो आपका जो फर्स्ट है वेस्टर्न प्लेन्स है ना, द वेस्टर्न प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो जो वेस्टर्न प्लेन्स की बात करते हैं उसकी जो मेन रिवर्स है वो है आपकी इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी बात करते हैं, ट्रिब्यूटरीज में आपकी आ जाएगी सतलज रिवर आ जाएगी आपकी, है ना, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, है ना, ये सारी ऑल दीज रिवर्स ऑल्सो ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस एंड दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स। एंड दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज नोन एज द डो। ये जो है जो ये जो रिवर्स है इंडस है आपकी, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बीस, ठीक, ये जो रिवर्स है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द डोब्स। डोब्स मीन्स डोब्स क्या होते हैं आपके, डोब्स का जी वो जरूरी मीनिंग होता है कि डेट जो जमीन का ऊपरी हिस्सा होता है चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, सराउंडेड बाय द रिवर्स। तो डेट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द डोब्स। डोब्स का मतलब अगर हम साइंटिफिकली नेम अगर इसको देखते हैं DOAB, डोब का मतलब होता है, डू का मतलब होता है टू, एंड एब का मतलब होता है आपका, ये जो यहाँ पे है एब का मीनिंग होता है आपका वाटर, ठीक है। तो ऐसे ही जो पंजाब है ना, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट पंज, पंज मीन्स फाइव एंड एब मीन्स वाटर, यानी कि पांच नदियों वाला प्रदेश, अ स्टेट ऑफ फाइव रिवर्स, ठीक है। दिस इज अबाउट द वेस्टर्न प्लेन्स। नाउ द गंगा प्लेन, लिसन केयरफुली अबाउट द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन इज एक्सटेंडेड बिटवीन द घाघर एंड तिस्टा रिवर। गंगा प्लेन का जो फॉर्मेशन है या फिर जो फॉर्म है ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है, इट इज सिचुएटेड अबाउट द घाघर एंड द तिस्टा रिवर, बिटवीन द घाघर एंड द तिस्टा रिवर। ध्यान रखिएगा, घाघर बिटवीन घाघर एंड तिस्टा रिवर, ठीक है। इनके बीच में जो जो स्टेट्स आते हैं, फ्यू स्टेट्स आर कम हियर लाइक एस हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली द झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। एंड द थर्ड इज योर ब्रह्मपुत्र प्लेन, इट इज जनरली फॉर्म इन द असम एरिया। तो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो वो अरुणाचल प्रदेश है असम, तो असम प्लेन क्या है वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन्स हैं। तो जो इसके आगे हम लोगों का जो चैप्टर के अकॉर्डिंग है, तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ दीज रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन डिवाइडेड इंटू फोर रीजन अकॉर्डिंग टू द देयर रिलीफ फीचर। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो उसके जो रिलीफ फीचर्स हैं, ध्यान रखिएगा जो रिलीफ फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है वो आपका फोर पार्ट्स में डिवाइड है। तो लेट्स स्टार्ट दैट वॉट आर दीज फोर पार्ट्स। There is the Northern Plains which has been divided into the four regions according to their its relief features. So what are these four types according to the relief features? So first is all about the Bhabar. So Bhabar, what is Bhabar? It is the narrow band of the plains which is enclosed with pebbles and located along with the foothills of the माउंटेन्स। तो भाबर क्या होता है कि इट इज़ ए नैरो बैल्ट जो आपके हिमालयन रेंजेस के फुटहिल से स्टार्ट होती है, बेसिकली शिवालिक रेंजेस से, ठीक है। एंड इट इज इंक्लोज विद पेबल्स, पेबल्स मतलब जो गड्ढों के रूप में प्रवर्तित घर है, थोड़े छोटे बड़े बड़े गड्ढों के ऊपर आ जाती है, एंड लोकेटेड अलॉन्ग विद द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स। एंड वंस दीज स्ट्रीम्स हैज बीन डिसअपीयर्ड, ठीक है, वो डिसअपीयर्ड भी हो जाती हैं, ठीक है। ये होती है हमारी भाबर रीजन, यानी कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फोर पार्ट्स में अपने रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग वो डिवाइड है। तो फर्स्ट हमारा भाबर है, सेकंड तराई है, थर्ड भांगर है, फोर्थ इज योर खागर। सो सेकंड इज योर तराई। तो इट इज अ कंपोज्ड ऑफ कंपैरेटिवली फाइनर एल्बियम एंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इट इज द मार्शी एंड द स्वैम्पी एरिया। इट मीन्स वेन द रिवर
रिवर स्ट्रीम्स। अभी देखिए भाभर क्या था, हम लोगों ने फर्स्ट बात करी थी, फर्स्टली वी टॉक अबाउट द भाभर। भाभर क्या होता है, इट इज अ नैरो बेड एंड ऑफ द प्लेन एंड इट इज इनक्लोज्ड एंड देयर स्ट्रीम्स हैज बीन डिसअपीयर्ड। व्हेन द स्ट्रीम्स रीअपीयर्ड, जब स्ट्रीम्स रीअपीयर्ड होती है, इट इज कवर्ड, इट इज विद द कंपोज्ड ऑफ द फाइनल एल्यूवियम एंड कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, इट इज द मार्शी एंड द स्वैम्पी एरिया। तो ये आपका डेट इज नोन एज योर तराई रीजन। थर्ड इज योर भांग, तो इट इज अ कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल एंड इट कंटेन्स द कंकर्ड एंड दिस सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। ये क्या है, आपकी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है आपकी, इसमें थोड़े मोटे पार्टिकल्स होते हैं, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स अच्छे नहीं होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती एंड इट्स ऑल्सो कंटेनिंग द कंकर एंड दिस सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल एज कम्पेयर टू द खादर। तो खादर इट कंटेन्स अ न्यू एल्यूवियल सॉइल एंड इट्स द यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स, जो आपकी हर साल बाढ़ आती है उसमें जो सिट बैके आती है तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एंड जो फ्लड आती है इट्स कम्स एंड एवरी ईयर एंड सो देयरफॉर इट्स रिन्यूड एवरी ईयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू। सो